आपके साथ मैं हूं सोनिया सतानीता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं जो कि बड़ौदा उपचुनाव से जुड़ी हुई है। बड़ौदा में लगातार दिग्गजों की सभाएं हो रही हैं, प्रचार प्रसार धुआंधार तरीके से हर पार्टी के दिग्गज कर रहे हैं। ओपी धनखड़ आज कई गांव में जनसभाएं करेंगे, जनसंपर्क अभियान के तहत जनसभाएं करेंगे। सुबह 10 बजे गांव रूखी में करेंगे चुनाव प्रचार, दोपहर 12 बजे छिटराना में करेंगे चौपाल, दोपहर 1 बजे रभड़ा में करेंगे जनसभा और शाम 4 बजे आवली में चुनावी चौपाल, और इसके बाद शाम 5 बजे का जो कार्यक्रम रहेगा वो रहेगा गिवाना यानी गुमाना गांव में। तो लगातार आपको हम बता रहे हैं कहां कहां आज बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ की जनसभाएं रहेंगी। सुबह 10 बजे गांव रूखी में चुनाव प्रचार करेंगे, इसके बाद 12 बजे छिछड़ाना में चौपाल करेंगे, उसके बाद 1 बजे गांव रभड़ा में जनसभा करेंगे, शाम 4 बजे गांव आवली में करेंगे चुनावी चौपाल, शाम 5 बजे की बात करें तो गिवाना यानी गुमाना में करेंगे जनसभाएं। तो बड़ौदा में लगातार तमाम दिग्गजों की चुनावी सभाएं जारी हैं और तमाम दिग्गज अपने प्रत्याशियों के लिए मतदान की अपील कर रहे हैं। तो बड़ौदा में 3 नवंबर को वोटिंग होनी है, 10 नवंबर को परिणाम हम सभी के सामने आ जाएंगे। तो ऐसे में पार्टियों के तमाम दिग्गज चुनावी सभाएं कर रहे हैं, धुआंधार चुनावी प्रचार प्रसार किया जा रहा है और अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की जा रही है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते संवाददाता सुनील जिंदल की ओर, जो कि गुहाना से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, आज ओपी धनखड़ कई गांव में जनसभाएं करेंगे, तमाम पार्टियों के दिग्गजों की ओर से धुआंधार प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो क्या अपडेट मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है ओपी धनखड़ आज बड़ौदा हल्के के करीब 5 गांव का दौरा करेंगे। 10 बजे जो है रुखी गांव में पहुंचेंगे, जहां जनसभा के दौरान जो है अपने बीजेपी के जो सांझे प्रत्याशी है उसकी पक्ष में वोटर की अपील करेंगे। उसके बाद जो है और अलग अलग गांव के दौरा करके जो है अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे। कहीं ना कहीं देखिए लगातार बड़ौदा उपचुनाव की प्रक्रिया तेज होती जा रही है, सभी पार्टियों के बड़े नेता जो है वो यहाँ पहुंचकर अपनी अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज जो है प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं ओपी धनखड़ वो बड़ौदा हल्के में पहुंचेंगे, रुखी गांव से जो है अपनी जनसभा की शुरुआत करेंगे। इसके बाद और अलग अलग गांव में जाकर जो है जनसभा करीब 5 गांव में उनके आज प्रोग्राम। और सुनील, अगर हम दूसरी पार्टियों के नेताओं की बात करें, दूसरी पार्टियों के दिग्गजों की बात करें, तो उनका भी चुनावी प्रचार प्रसार धुआंधार तरीके से जारी है। तो ऐसे में अगर हम टक्कर की बात करें तो फिलहाल कौन सी पार्टी की टक्कर नजर आ रही है, जनमत क्या बता रहा है लोगों का? बिल्कुल, देखिए इसमें 2 प्रमुख पार्टियां सामने आ रही हैं, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके बीच कांटे की टक्कर यहां दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए अभी ये नहीं कहा जा सकता कि एक तरफा जीत किसकी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुकाबला जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए इनेलो ने पिछली बार भी यहाँ से करीब 3700 के करीब वोट लेने में हासिल की थी, लेकिन कुछ अच्छा प्रदर्शन अब की बार इनेलो याद जरूर कर रही है, लेकिन इतना नहीं है कि वो इनके बीच में खड़ी दिखाई दे रही है। और इसके अलावा राजकुमार सैनी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो है, वो भी अब की बार खुद बड़ौदा हल्के से मैदान में है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखिए अब की बार अगर कांटे की टक्कर की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी में सीधा का मुकाबला है। क्योंकि पिछली बार भी अगर जो 2019 का चुनाव हुआ था उस समय भी जो है जी यहाँ से जो है कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई थी और बीजेपी प्रत्याशी की हार हुई थी, लेकिन मार्जिन जो है कुछ थोड़ा मार्जिन रहा था, लेकिन अब भी जो है कांटे की टक्कर दोनों पार्टियों में दिखाई दे रही है, जिसके चलते दोनों पार्टियों के बड़े दिग्गज नेता जो है यहाँ पहुंचकर अपनी अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और अपने अपने उम्मीदवार की जीत का दावा भी कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी के लिए। तो आज ओपी धनखड़ कई गांव में जनसभाएं करेंगे, 10 बजे रूखी में चुनावी प्रचार करेंगे, 12 बजे छिछड़ाना में, 1 बजे रभड़ा में, 4 बजे आवली में और 5 बजे गिबाना यानी गुमाना गांव में जनसभा करेंगे।